भैयू महाराज की बेडरूम पार्टनर बनी पलक पुराणिक की कहानी बेहद दिलचस्प है। पलक पुराणिक नामक यह खूबसूरत युवती भैयू महाराज के आश्रम में नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इतनी पकड़ बना ली कि वह भैयू महाराज की बेडरूम पार्टनर भी बन गई और उसने भैयू महाराज के बेडरूम पर कब्जा कर लिया। हालात इतने बदतर कर दिए गए कि भैयू महाराज की बहनों और उनकी माताजी को भी भैयू महाराज के रूम में प्रवेश करने के पहले पलक से अनुमति लेना पड़ती थी। जैसे ही पलक भैयू महाराज के नजदीक आई तो सेवादार विनायक और शरद देशमुख ने उसे अपना टारगेट बनाया और उसके साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से भैयू महाराज की संपत्ति को हड़प लिया जाए, ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया जाए। इन तीनों ने इतनी गहरी साजिश रची कि भैयू महाराज को दवाओं के ओवरडोज देने लगे और धीरे धीरे भैयू महाराज को मानसिक रूप से बीमार करते चले गए। भैयू महाराज भी सोच नहीं सकते थे जिस पलक पर उन्होंने इतना भरोसा किया है और जिस विनायक को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, वह इतनी गहरी साजिश उनके खिलाफ रच रहा है। कुल मिलाकर भैयू महाराज के लिए पलक एक खतरनाक हसीना साबित हुई जिसने उनके प्राण ले लिए। कुल मिलाकर पलक का पूरा कारनामा बेहद भयावह है और ऐसा प्रतीत होता है कि भैयू महाराज का पूरा आश्रम ही षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था और जिसके शिकार भैयू महाराज खुद हो गए। देश की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाने वाले नरेंद्र मोदी और अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाने वाले भैयू महाराज ने ही आश्रम में अपने सेवादार और खूबसूरत युवती पलक की साजिश का लगातार शिकार होते चले जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।